हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग तो आज क्या है, कैसे काय का ब्लॉग है आप देख ही रहे हो। और आज तुम्हारा भाई जा रहा है बेंगलोर, बहुत लंबी जर्निंग है और कैसे टाइम कटेगा मेरे को भी नहीं पता है। तो मुझे भाई मुझको तो पता नहीं भाई, मेरी जो 3 दिन की जर्निंग है ना भाई, गॉड मतलब कैसे कटने वाली है मेरे को भी नहीं पता है। तो इसके बाद चलता हूँ और आप लोगों को जितनी भी जो भी जर्निंग जो भी ट्रेन में होता है वो दिखाऊंगा भाई, ठीक है। तो चैनल में बने रहना और मजे रहना पूरे सफर के। तो गाइस ये खड़ी है अपनी ट्रेन अनंतपुर निजामुद्दीन से जा रही है और समथिंग है इसमें, मतलब 3 दिन के बाद 5 तारीख को पहुंचेगा तुम्हारा भाई। तो भाई बहुत लंबी जर्निंग होने वाली है और कैसे टाइम मेरा कटने वाला है ये मेरे को भी नहीं पता है। तो भाई चैनल बने रहना और देखते रहना तुम्हारा भाई कितना लंबा सफर करता है आज, और मेरे को सामान लेना है। तो गाइस ये भी जरूरी है, इसका याद रखें आप जब भी सफर करें तो इसको रख लें, ये आपको रस्ते भर जरूरत। तो गाइस जो भी छोटा मोटा सामान लेना तुम्हारे भाई ने ले लिया है, अब तुम्हारा भाई चलता है अंदर। और भाई आप यहाँ बैठे हो, मुर्दी तू भी जा रहा है? नहीं भाई ये नहीं जा रहा है, छोड़ने आया है। तो गाइस मैं सो गया था और अब उठा हूँ क्योंकि अभी बज गया समथिंग 5 बजे का टाइम हो रहा है। और मेरी सीट देखो ऊपर साइड में बीच वाली खोली नहीं है, तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके मारे खोली नहीं थी तो मैं ऊपर वाली सीट में जाके सो गया था। और अब थोड़ा व्यू देखने के लिए, व्यू पॉइंट तो उधर से देखा नहीं क्योंकि आंटी लोग काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो भाई व्यू पॉइंट यहाँ से देख रहा हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय आ रहा है ऐसे हरे भरे नज़ारे। खैर उत्तराखंड से तो थोड़ा सा हटकर ही है मामला क्योंकि उत्तराखंड की बात ही थोड़ी अलग है। और अभी भोपाल पहुँचते हैं तो उसके बाद थोड़ा खाना ना खाएंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली है भाई ने तुम्हारे, और कर रहे हैं भाई पहुँचने वाले हैं परसों, अभी 2 दिन और लगेंगे। तो भाई तो गाइस अभी पहुँचे हैं हम लोग भोपाल और समथिंग हो रहा है, 6 बज रहा है इस टाइम और अभी पहुँचे हम लोग भोपाल में। और ये भैया है हमें नेपाल से, अभी मिल गए ट्रेन में, तो इनके साथ थोड़ा सफ़र भी बढ़िया कट रहा है। और एक बार में अरे समोसे, हम समोसे या समथिंग जो भी मिल जाएगा अपन को वो खाएंगे। ये ढोकला है और समोसे, और ये हैं केवल मिलते हैं भोपाल में, समोसे लिए ना मिर्ची के साथ, समोसे हैं और मिर्ची के साथ। स्टेशन तो काफ़ी बड़ा है यहाँ का भोपाल का, और बहुत बड़ा जंक्शन है ये भोपाल का। और दिल्ली से सुबह 8 बजे चली थी, 6 बजे भोपाल पहुंची है ट्रेन। और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी ठीक ठाक है, छोटे मोटे मतलब आप कुछ खा सकते हो यहाँ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो आज है मेरा ट्रेन में दूसरा दिन और अभी बज रहा है सुबह का 7 और तुम्हारा भाई दूर करने आए, भाई फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद नाश्ता करते हैं और हटे हैं, फिर चलते हैं भाई ट्रेन में। बहुत सफ़र तो मैंने ठीक कर रहा है क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, मजा आ रहा है। ठीक है भैया आ गए हमारे साथ, अब हम करने वाले हैं उससे भी और ज्यादा एंजॉय। क्यों भैया? भैया कहाँ से हो आप? भोपाल। भोपाल से, भोपाल वाले हैं भैया। और अभी हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर रखा है, अभी आएगा देखो, करते हैं लंच। और दो भाई लोग वो बैठे हैं वहाँ पे देखो। क्यों भैया? भैया तुम्हारी आंखें से क्यों हो रही है? तो गाइस बैठे हैं और जनसन है और खाना ऑर्डर कर रखा है हम लोग बाहर से ऐप से, हाँ ट्रैवल खाना से हमने मंगाया था खाना। तो यहाँ का तो खाना खैर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने अभी शाम के टाइम भी खाया था खाना, तो खाना एकदम बकबास खाना ठीक है। बाकी पोहा हुआ जो नॉर्मल लिया ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह, मतलब नॉर्मली अंडर ब्रेड वो तो बेस्ट है, मतलब ठीक है, ठीक मतलब बेस्ट तो नहीं कर सकता, ठीक कह सकता हूँ,
मगर अब जो बाहर से खाना है वो अल्टीमेट आया है। लंच हो रहा है और अभी समथिंग बज रहा है, 11 का टाइम हो रहा है और हम लोग पहुंचे हैं अभी पूना के जंक्शन में है अभी हम लोग इस टाइम पूना के जंक्शन में है। और ये हमने जो खाना ऑर्डर किया था ये किया था बाहर से, और ट्रेन का तो गए ट्रैवलर खाना तो बहुत मतलब बेकारी खाना है, एक तरीके से बेकारी कहूँ। और हमने ये किया था ट्रैवल खाना से ऑर्डर, तो ये मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा पास दिखा दूँ। और गाइस ये है थोड़ा, ये पनीर की सब्जी है और ये है ये मिक्स वेज की सब्जी है और ये दाल है और थोड़े चावल हैं और चार रोटियां हैं और सलाद भी ब्रेड भी दे रखा है और इसमें एक मीठे के लिए भी स्वीट्स के लिए भी दे रखा है। तो भाई बाहर का खाना ही बेटर है खाना, और ये तो ट्रेन में खाली चाय है नॉर्मल मॉर्निंग में ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के उस पर। तो भाई खाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को बाकी आगे का। रखना डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। माल बन चुका है तो मस्त रहेगा, फुल एंजॉय हो रही है, फुल एंजॉय हो रहा है। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, अंकल जी शहरी बना रहे हैं अब मस्त सी। निकलती है सूरज से जलना धरती को पड़ता है। वाह 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 वाह, हम करते हैं धड़कना दिल को पड़ता है। मैंने प्यार किया तुझे अपना समझकर, मेरे बाप ने पीटा मुझे तबला समझकर। एक नंबर भाई, मजा आ गया। इसमें हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए। एक लड़की लड़के को खत लिखती है, हाँ, लड़का एक लड़की को खत लिखता है, खून से लिख रहा हूँ शाही ना समझना, जिंदा हूँ तुम्हारे याद में मुर्दा ना समझना, खून से क्यों लिख दिया शाही नहीं मिली, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा दूसरी नहीं मिली। अरे वाह क्या बात है भाई। एक हमारे बीच मैडम भी हैं, इस ट्रेन में एक मैडम है, एक प्यारी सी मैडम है, ये देखो क्या पढ़ा रहे हो ना इन्हें, क्या पढ़ा रहे हो दिखा दो एक बार, क्या नाम है नाजिया, क्या नाम था आपका, अनाइजा। ये देखो ये क्या बना रहे हैं, ये देखो पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो बता तो दो एक बार, इसे क्या पढ़ा रहे हो, ABCD, A for आओ, J, B for अच्छा, एक दो तीन अनाइजा। तो ये मैडम पढ़ाती हैं, कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हो आप, हैं 10 11 वालों को ही पढ़ाते हो, हैं पढ़ाई छोड़ गई, अच्छा अच्छा पढ़ोगे आप, अच्छा तो गाइस ये हमारा नाइट का डिनर और देख सकते हैं डिनर की हालत, बे डिनर। और हमने तो वैसे भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था बट वो पहुंच नहीं पाया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। क्यों भैया आपको भी ऐसी काम चलाना पड़ा ना, क्या करें टाइम टाइम की बात है। तो गाइस मैं आ गया हूँ अभी ऊपर वाली सीट पर और नीचे हम लोगों ने लाइट वाइट सब बंद कर दी है और आगे एक लाइट लगी थी और बाकी रोशनी आ ही रही है। पर भाई अब सुबह पहुँच जाएंगे अपन बेंगलोर और फिर बेंगलोर में दिखाते हैं आपको बेंगलोर के एक से एक व्यू और एक से एक जगह, और हो सके तो हॉन्टेड भी मिलेगा आप लोगों को, हॉन्टेड भी कोशिश करेंगे कि हॉन्टेड प्लेस पे जाऊं मैं और आप लोगों को नई नई लोकेशन दिखाऊं। तो मिलते हैं मॉर्निंग टाइम सीधे बेंगलोर में। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह का 5:30 और हम पहुंचने वाले हैं यशवंतपुर बेंगलोर। तो गाइस बड़ी मस्त रही जर्नी और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और उसी के साथ अब दोस्त भी लेने आ रहा है मेरे को, तो चलते हैं भाई और उसके बाद अब बेंगलोर के पूरे आएंगे ब्लॉक आगे से। अब ये कैसा लगा, बहुत मजा आया, फुल एंजॉय, क्यों क्यों भैया मजा आया, क्यों भाई इस भाई ने ज्यादा एंजॉय लिया है, फुल मजा, इसका थोड़ा एंजॉय थोड़ा सा अलग था, अब से थोड़ा सा हट करके। तो
तो आप समझने वाले के समझिए बाकी। तो गाइस अभी हो रहे हैं 6:45 और हम पहुंच गए बेंगलोर में, और ट्रेन का टाइमिंग थी 6 बजे की बेंगलोर में इंटर करने की, तो 15 मिनट पहले ट्रेन ने हमें बेंगलोर में छोड़ दिया है। बहुत जल्दी टाइम ज़्यादा नहीं लगा है। तो गाइस अब मैं पहुंच गया हूँ फ्लाईओवर के ऊपर, और नीचे मेरा दोस्त खड़ा है, मेरा वेट कर रहा है, और चलता हूँ। अभी पहुंच गए हम लोग स्टैंड पर, और ट्रेन से मैं उतर गया था जैसे कि आप लोगों ने देखा वीडियो में, और मुकेश भाई हमें लेने पहुंच गए हैं। ये अपना दोस्त जो बेंगलोर में रहता है, अब इसी के वहां रुकूंगा मैं और ये घुमाएगा मेरे को भाई, ठीक है? क्यों चले फिर रूम पर? तो भैया आपको मिलेगा सीधे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आगे का बेंगलोर का ट्रैवल होगा सारा नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई इसके पार्ट बनेंगे, इसके पार्ट देखते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।